हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग एक नया प्रोग्राम बनाने वाले हैं पाइथन का, जिसमें हम लोग रन टाइम इनपुट एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर हमें प्रोग्राम बनाना है तो हमें उसके लिए आईडीएलई को ओपन करना पड़ेगा। तो हमने आईडीएलई को ओपन किया। हम इसमें एक फ़ाइल लेंगे जहाँ पर अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो हम फाइल मेन्यू पर जाके न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने एक विंडो आएगी जहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमारा जो इनपुट है वो रन टाइम होगा। एक्चुअली में प्रोग्राम में जो इनपुट होते हैं उसको लेने के दो तरीके होते हैं। या तो आप वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर दो प्रोग्राम बनाते ही समय, या फिर प्रोग्राम को रन करते समय वैल्यू दी जाए। तो प्रोग्राम में जो इनपुट है वो दो तरीके से लिया जा सकता है। आज हम सीखेंगे दूसरे तरीके से इनपुट लेना, कि अगर हमें प्रोग्राम में रन टाइम इनपुट लेना हो तो कैसे लेंगे। इससे पहले मैंने जो प्रोग्राम आपको बताया था पिछले वीडियो में, जिसमें हमने वैल्यू को इनिशियलाइज़ करके प्रोग्राम बनाया था जिसमें वैल्यू फिक्स थी, पर इस बार हम लोग रन टाइम इनपुट से प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग प्रोग्राम को रन करते समय वैल्यू डालेंगे, और हम जैसी वैल्यू डालेंगे उसके हिसाब से हमारा कैलकुलेशन परफॉर्म होगा। तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पर बहुत छोटा सा प्रोग्राम बना के देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने प्रोग्राम में रन टाइम इनपुट को एक्सेप्ट करते हैं। तो हम फिर से आज दो नंबर एडिशन का प्रोग्राम करेंगे जिसमें इनपुट रन टाइम लिया गया होगा। तो अगर हम दो नंबर का एडिशन प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दो नंबर का इनपुट चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही उसका कैलकुलेशन पॉसिबल है। तो अगर हमें दो नंबर का इनपुट लेना है तो हमें उसके लिए लिखना पड़ेगा पहले दो नंबर का इनपुट, यानी कि ए इज इक्वल टू, एक फंक्शन होता है पाइथन में जिसका नाम है इनपुट, जो हमें इनपुट एक्सेप्ट करने की परमिशन देता है। इसका यूज़ करके हम लोग रन टाइम पर इनपुट एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब हम चाहें तो यहाँ पर एक मैसेज दे सकते हैं इसके अंदर, और वो मैसेज हमें हमारी आउटपुट विंडो पे, यानी कि पाइथन सेल पे ये मैसेज डिस्प्ले होगा, जिसको देख करके यूज़र इनपुट करना स्टार्ट करेगा। तो हम यहाँ पर एक मैसेज देंगे एंटर एंटर अ नंबर। तो हमने यहाँ पर एक मैसेज दिया एंटर अ नंबर। अब ऐसे ही हमें दूसरे नंबर का इनपुट लेना है बी इज इक्वल टू इनपुट। हम यहाँ पर फिर से एक मैसेज पास करेंगे एंटर अनदर नंबर या एंटर अ नंबर दोबारा से। ये हमने दो वेरिएबल में इस तरीके से इनपुट लगा के मैसेज दिया है। तो यहाँ पर होने क्या वाला है, ये दोनों ही लाइन चल करके हमें रन टाइम पर इनपुट एक्सेप्ट करने की परमिशन देंगे। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ और सीखनी होगी, ये जो इनपुट फंक्शन होता है ये जो भी इनपुट एक्सेप्ट करता है उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में करता है। स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट के फॉर्म में, यानी कि हम एक न्यूमेरिक वैल्यू देंगे और उसको वो टेक्स्ट के फॉर्म में लेगा। अगर उसने उसको टेक्स्ट के फॉर्म में लिया तो उसका वो अर्थमेटिक एडिशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो उसको ज्वाइन कर देगा। यानी कि अगर हमने रन टाइम पर ए की वैल्यू में 10 और बी की वैल्यू में 20 पुट किया तो वो 10 और 20 का एडिशन ना करके, अर्थमेटिक एडिशन ना करके उनकी ज्वाइनिंग कर देगा और हमें आउटपुट के रूप में 10 20 डिस्प्ले कर देगा। तो हमें यहाँ पर एक और एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिसके द्वारा अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सके। तो हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है जिसका नाम है इंट, जो क्या करता है किसी भी इनपुट टेक्स्ट डेटा को इंटीजर टाइप में चेंज कर देता है। यानी कि अगर कोई टेक्स्ट होगा जो कि न्यूमेरिक स्ट्रिंग है उसको वो न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ओवरऑल फंक्शन को हम इंट फंक्शन के ब्रैकेट में रख देंगे, जैसे कि हमने एक ब्रैकेट यहाँ पे लगाया और एक ब्रैकेट हम यहाँ लास्ट में लगाएंगे, और उसके पहले यहाँ पर फंक्शन अप्लाई करेंगे और फंक्शन का नाम है इंट। तो ये इंट कन्वर्ट करेगा। इसके बाद ऐसे ही हमें दूसरे फंक्शन में भी करना पड़ेगा, यानी कि इस इनपुट के पहले एक ब्रैकेट लगाएंगे और एक ब्रैकेट यहाँ पर लास्ट में क्लोज करेंगे और इंट फंक्शन का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ताकि वो वैल्यू चेंज हो सके। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इंट। तो इस तरीके से अभी लाइन कंप्लीट है, क्योंकि ये जो इनपुट फंक्शन है ये इनपुट एक्सेप्ट करेगा, लेकिन इसके द्वारा किया गया जो इनपुट होता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, और फिर ये इंट फंक्शन उस स्ट्रिंग डेटा को न्यूमेरिक डेटा में चेंज करेगा ताकि ये न्यूमेरिक एडिशन परफॉर्म कर सके। तो इस तरीके से ये दो नंबर का इनपुट हो चुका है। अब हमें एडिशन करना है, तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ऐसा करने से ए बी की जो भी वैल्यू यूज़र पुट करेगा वो यहाँ पर बैठ जाएगी, उनका एडिशन होके जो आंसर है वो सी में जाके स्टोर हो जाएगा। अब सी के पास जो वैल्यू है वो हमें डिस्प्ले करना है। तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप जान लो, कि एक फंक्शन होता है जिसका नाम है प्रिंट, जो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करा सकता है। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा प्रिंट और ब्रैकेट में सी, क्योंकि हमारा आंसर सी के पास है, इसलिए हमने प्रिंट के ब्रैकेट में सी लिखा ताकि हमें एक आउटपुट मिल सके। तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है। ये हो गया हमारा इनपुट, यहाँ पर हो गई कैलकुलेशन, और यहाँ पर हो गया हमारा आंसर का डिस्प्ले। अब इसको हम रन करेंगे और अपने प्रोग्राम को देखेंगे। तो रन करने के लिए आपको बताया गया था कि शॉर्टकट होता है F5, या फिर आप रन ऑप्शन पे जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो भी हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा। तो हमने इस पर क्लिक किया, तो ये हमें सेव करने के लिए बोल रहा है, तो हमें यहाँ पर फाइल को सेव कर देंगे, जैसे कि ऐड टू नाम से हमने फाइल को सेव कर लिया।
.py इसका एक्सटेंशन होता है, हम एंटर करेंगे और हमारा प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो यहाँ पर आ गया। ये हम पाइथन सेल में हैं और हमारे जो भी प्रोग्राम है पाइथन सेल में ही रन होते हैं। अब यहाँ पर मांग रहा है एंटर अ नंबर, तो हम अपनी मर्जी का कोई भी एक नंबर देंगे, जैसे कि हमने दिया 12। दूसरा नंबर मांग रहा है जैसे कि हमने दिया 5, हम एंटर करेंगे तो ये इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करेगा और हमारा आंसर मिला हमें 17। तो इस तरीके से हमने ये जो इनपुट लिया है ये रन टाइम इनपुट कहलाता है, क्योंकि प्रोग्राम को रन करते समय हमने वैल्यू पुट करी है। इसमें हमारा फ़ायदा ये है कि अगर हम इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करते हैं, हमने F5 प्रेस किया है, हमने दोबारा से रन किया, तो ये फिर से हमसे नंबर मांग रहा है। और इस बार हम जो भी नंबर देंगे, जैसे कि हमने दिया 19 और यहाँ पर 10, तो हमने दिया 90 और दूसरा नंबर दिया 10, जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये इसका एडिशन करेगा। तो हमें अब प्रोग्राम में बार बार चेंजेस नहीं करने पड़ रहे हैं, हम जितनी बार प्रोग्राम को रन करेंगे ये उतनी बार हमसे नंबर मांगेगा और हम अपनी मर्जी के नंबर डालेंगे और हम जो नंबर डालेंगे वो उसी का एडिशन हमें परफॉर्म करके देगा। तो दिस इज़ द रन टाइम इनपुट प्रोग्राम, जिसमें हमने प्रोग्राम को रन टाइम पर इनपुट दिया है। तो उसके लिए ये फंक्शन हमने यूज़ किए, ये हमने पिछले वाले वीडियो में जो प्रोग्राम बताया था उसमें फंक्शन यूज़ नहीं किए थे, क्योंकि उसमें हम लोगों ने इनिशियलाइजेशन से प्रोग्राम बनाया था, पर इस वाले में हम लोगों ने रन टाइम इनपुट से प्रोग्राम बनाया है। तो ज़्यादातर केस में हम लोग सारे प्रोग्राम्स में रन टाइम इनपुट लेते हैं, तो हमें ये ज़रूर ज़रूर आना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।